हाँ, टोस्ट और सेव पूरी दोनों लगा दो। तवा प्रीमियम बर्गर लोग पसंद करते होंगे इसको बहुत ज्यादा। बिरयानी समोसे है बेसिकली हैदराबाद के। ये पैटी नहीं खाई, इधर लोग स्पाइसी खाते हैं। ओ भाई जीसस क्रेजी। हाय गाइस, तन्मय डिसाइड फ्रॉम वेजी पाजी और आज आपको सिकंदराबाद के कुछ बेहतरीन जायके दिखाएंगे। क्रेजी बर्गर, क्रेजी फ्रूट मंडी, क्रेजी चीज है भाई। आज है मेरा बर्थडे तो एकदम डेजर्ट्स में कमाल की चीजें दिखाएंगे। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं करा। वेजी पाजी, आइए स्टार्ट करते। ये आपके बर्गर बन रहे, तवा प्रीमियम बर्गर, इसमें और एक छोटा साइज है मिनी भी है, लार्ज है, दो साइज है, आइटम एक ही है। फर्स्ट स्टेप में आपको है ना चीज लोड हो जाएगा इसमें। अच्छा, तो टोटल चीज है वो जितना ऑरेंज पार्ट है, दैट इज टोटल होल चीज। नया बैच लगेगा भाई, दो मिनट रुके और बर्गर निकल गए। इतनी पॉपुलर है ये जगह। हाँ, एरिया कौन सा पड़ता है ये? राष्ट्रपति रोड, हिल स्टेट रानीगंज। अच्छा, ऑपोजिट सैटेलाइट टावर्स। सैटेलाइट टावर्स, ये बंस आप बनवाते हो या फिर खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं, ऑर्डर देके बनवाते हैं एक्चुअली। हाँ, पर ये मतलब मैं देख रहा हूँ थोड़े अलग दिख रहे हैं मुझे। बाने मिलेंगे आपको, देख रहे हो ना कितने मॉइस्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं ये। आपको आज दिखा रहे हैं हम लोग प्रिपरेशन हैदराबाद के फेमस शालीमार डिफेंस के तवा बर्गर की। ये देखिए, हाँ असली बन की पहचान ही यही है ना। फर्स्ट पार्ट इधर आके देखो, ये बन हो गए। सेकंड पार्ट जो पैटी होती है ना, जो आलू टिक्की में पैटी पड़ती है, पनीर बर्गर में पैटी पड़ती है, ये पैटी है। चीज, वेजीज और ये जो सारा, हाँ पनीर, और ये जो सारा आप ये जो ऑरेंज पार्ट देख रहे हो ना, ये सब चीज है। अब इसमें बहुत सिंपल सी चीज होने वाली है, बटर। और जैसे बर्गर होता है ना, बर्गर्स आर सैचुरेटेड, दिस इज प्योर सैचुरेटेड फूड। बढ़िया गुड डॉलप अमाउंट ऑफ स्टफिंग डली इसके अंदर, बर्गर बंस के अंदर, बस। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहता है, मतलब यहाँ पे 1 से 9 बजे तक ना बर्गर ऐसे ही लगते रहते हैं, बैचेस में निकलते रहते हैं। इसमें कौन सी चीज डलती है, टॉप सीक्रेट। ये सारी चीजें रिवील करती फिर तो कुछ चीजें तो सीक्रेट रह लीजिए ना। अब ये देख रहे हो, यहाँ पे बटर डाल दिया पर अभी तक बटर यूज नहीं करा। वो चीज, स्टफिंग्स, पनीर, कैप्सिकम आगे। अब ये लग रहा है तड़का, बटर पड़ा, चटनी पड़ी, ओरिगेनो, धनिया, स्पाइसी चिली। ये जो आप देख रहे हो ना, ये तवा प्रीमियम बर्गर और तवा मिनी बर्गर है। ये बेसिक बर्गर जिसके अंदर स्टफिंग डली चीज वाली। इसके अंदर बेसिक तो वैसे कुछ है नहीं, पर ये जो इसको प्रीमियम बनाता ना, वो ये चीज़ है। बटर, बटर के अंदर एकदम बढ़िया सी स्पाइसी सी भाई, एकदम मसालेदार ब्यूटीफुल सी ग्रेवी। ये चीज़ वो जो देसी बर्गर में वो जो साइड्स में जो मसाला लगता है ना, मज़ा उसी का आता है। अभी हम लोग हैं हैदराबाद में, वो ऐसे वो होती है ना, सेंटर में भाजी बनती है, साइड में पाव लग जाते हैं, वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही? तो कितना बढ़िया लग रहा है यार ये तो, भाई साहब नेक्स्ट लेवल है ये। हैदराबाद में बर्गर ऐसे खाए जाते हैं। इसका प्राइस है प्रीमियम बर्गर का 130 रुपीज और मिनी बर्गर का 100 रुपीज। ओ भाई चीज इज क्रेजी, लोडेड विद चीज। तो आइए अब टेस्ट करते हैं द फेमस बर्गर ऑफ शालीमार टिफिन्स, जो हम लोगों को आज पता चला कि ये टिफिन से स्टार्ट हुआ था और अब बढ़िया बढ़िया बर्गर्स दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, मेरे को प्रोसेस करने दो, मैं आपको समझाऊं ना। ओहो, ये चीज, ये देखो ये जो चीज़ है ना, इसकी वजह से इसका टेस्ट एकदम चेंज हो गया। मतलब ये बर्गर जो है ना, देखने में काफी फैटी लग रहा है। मतलब लग रहा है कि भाई इसको एक बर्गर को खाओगे ढेर हो जाओगे। और इवन जो ये जो बन है ना, तो आपको लगेगा काफी मोटा बन है, कैसा टेस्ट होगा। पर ये जो बन है ना, ये लोग खुद बनवाते हैं अपना बन, एकदम सॉफ्ट। असली बन की पहचान होती है ये ऊपर आ गया ना वापस, ये होता है असली बन। सो एफर्टलेसली, और अंदर जो चीज डाला ना, गिर रहा है, ओवरलोडेड चीज, वेजीज, ये मतलब स्टफिंग है एक सैंडविच की। पर सैंडविच जब ग्रिल हो जाता है ना, तो वो ब्रेड का जो वो सॉफ्टनेस है ना, वो कभी स्टफिंग के साथ महसूस ही नहीं करी, तो पता ही नहीं था, क्योंकि ब्रेड क्रिस्पी हो जाती है ऐसी स्टफिंग के साथ। तो आज पहली बार ब्रेड, सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रेड और सैंडविच वाली स्टफिंग, और देसी स्पाइसी तड़के से ऊपर जो इन्होंने जो मिर्च डाली है ना, और जो चटनी लगाई है, वो जो गाना है ना दिल लगी कुड़ी गुजरात की, वो कुड़ी यहाँ से पहले बर्गर खाई थी फिर दिल लेके गई। आइए चलते हैं, कुछ और खाना दिखाते हैं इंटरेस्टिंग। यहाँ से एक वो भी ले लें और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठे रहे तो सब कुछ खा जाएंगे, बहुत सही सामान मिल रहा है। पैटी लगवाते हैं। योर कंटेंट इज वेरी अमेजिंग,
थैंक यू। तंदूरी पनीर चीज पफ जी, इधर इसको पफ बोलते हैं हम लोग, दिल्ली में पैटी बोलते हैं। आपका नाम जी? अमित मोर। हम लोगों ने अभी आपके बर्गर खाए, काफी कमाल के थे। ये देख रहा था इसमें भी कुछ रोमांचक चीजें हो रही थी। वैसे तो अभी पिज्जा बनते हुए देखा, उसमें भी वो जो चीज आपका होता है उसमें क्या खास होता है, इतना बढ़िया ऐसे वो लपेटे आते हैं उसके। इसमें भी डालेगा चीज? बिल्कुल, मोजरेला चीज आएगा इसमें। अच्छा, थोड़े वेजीज आएंगे आपको। अच्छा, ये जो नॉर्मल आपकी बेसिकली जो पैटी होती है, पफ होता है, बेक्ड समोसा कुछ भी बोल लो इसको जी, इसमें प्याज टमाटर और वो, इसको कितना टाइम हो गया ये शुरू करके? सवा साल इसको। अच्छा, पफ को दुकान तो 30 साल हो रहे हैं। हाँ, 91 में शुरू की थी पापा ने। तो ये टिफिन नाम कैसे है इसका? पहले टिफिन सेंटर ही था। अच्छा, फिर इसको मोबाइल करे, फिर बाद में स्नैक्स में इम्प्रूव कर दिए इसको। टाइम से टाइम में इवॉल्व करा चीजें, जैसा टाइम आया वैसा चेंज होते गए। ये पनीर सेका भाई, इसमें मिर्च वगैरह सब रहते हैं बढ़िया। हमारे वाले में पनीर चावल डाल देना। बिल्कुल डालूंगा। देख, पफ लिया, पफ में पहले मेयोनीज आए, सब्जियां डाली, नॉर्मल आलू तो बेस होता ही है। हाँ। इसका क्या प्राइस है? 70 प्राइसिंग है। गार्लिक सॉस आ गया। गार्लिक सॉस, इधर लोग स्पाइसी खाते हैं जी जी, चटपटा मुंह खा के ऐसे हो जरूर है। वो वाली चीज रहेगी इधर बराबर। और अब ये आ गया चीज। आप नहीं, मोस्टली चीजों में चीज तो रहता ही आपके मेन्यू में जी। क्या चीज? विदाउट चीज वो क्या चीज है? गंदे जोक सर, अच्छा खाना ओनली एट वेजी वेजी। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपने कभी ऐसे पफ खाया है। भाई मेरे को नहीं लगता ऐसे पफ कभी खाया होगा। मैंने आलू पैटी खाई है, मशरूम पैटी, पनीर पैटी, ये पैटी नहीं खाई। इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया तंदूरी पनीर चीज पफ। तंदूरी क्योंकि अभी तंदूर में जाएगी। बिल्कुल, और पनीर चीज गिर गया, बाकी पफ सब चीजें जस्टिफाई हो गई एकदम सिंपल। ये लो, इसमें एक हमारा भी लग रहा है। क्या भाई, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ना देखने में, लुक सो प्रिटी। आलू पैटी के साथ कितना रोमांचक काम, सिंपल सी आलू पैटी, वो पनीर डल के अच्छी बनी जाती है ना कोई भी आइटम। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आलू पैटी ना आज से पहले जाती थी लेक में, फिर उसको पता चले गया गोवा के बीचेस के बारे में और फिर वो गोवा चले गया। कुछ भी जोक मारते भाजी भाजी पे, मतलब कुछ कुछ तो आई क्यू से बाहर होते हैं। 5 मिनट में रेडी होगा। एक चीज ग्रिल, एक बर्गर रेडी, तंदूरी चीज, पनीर पफ, ये वाला पीस मैं खाऊंगा, हमारा ये वाला पीस, ये वाला कर लिया हमने पहले। अच्छा, ये चलते रहते इलेक्ट्रिक तंदूर जी, केचप के साथ। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। आप ये बताओ, सारी बातें छोड़ो, आपको वीडियोस कैसी लगती है? वीडियोस शानदार, आप सारी चीज वेजी मिलेंगी आप। हाँ। वेजी पाजी के साथ वेजी आइटम्स। वेज हैदराबाद में वेज खाना दिखा रहे लोगों को। बिल्कुल, मारवाड़ी हूं सब। अच्छा, तो आगे हमारी बेग तंदूरी, बहुत बहुत बड़ा वर्ड था इसका, कोई पैटी है कोई तो पफ है, और बहुत कमाल के पफ पैटी तो बेक समोसा के जो आलू का मजा है वो तो बचपन का प्यार है, और उसके ऊपर जो चीज पनीर शिमला मिर्च प्याज स्पाइसी चटनी पड़ गई, मजा आ गया। सारी हैदराबाद की वीडियोस रहेगी प्योर वेजिटेरियन, क्योंकि दिखा रहे हैं वेजी पाजी। ये अभी जो ये खाएंगे ना, समोसे खाएंगे ना, टोस्ट, हाँ टोस्ट और सेव पूरी दोनों लगा दो। आप ये हमारा बना रहे हैं? ओके, ये इसके अंदर के आलू का मसाला रहता है? आलू रहता, आलू मसाला रहता। अच्छा, ये ब्रेड टोस्ट आलू मसाला रह के इसको फ्राई करके, फिर जैसे जैसे कस्टमर को चाहिए गरम करते हैं उसको इसमें टोस्टर में, और चटनी उस पर डलता है। इसके ऊपर भी अभी कुछ कुछ डलेगा क्या? इसके अंदर भी और डलेगा चीजें? अनियन सेव था। अच्छा, ये सादा रहेगा अनियन और सेव के साथ। क्या प्राइस है इसका? 30 रुपीज। भैया क्या? एक हमारा अनियन। अच्छा, इधर अनियन पड़ा और इधर सेव पड़ा, ब्यूटीफुल। सेव का क्या प्राइस है? 50 है। 50? हाँ। सेव पे बड़े बड़ा खीरा 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 प्याज टमाटर आलू सब रहेगा, ऊपर चटनी स्पाइसी। तीखा रहेगा? तीखा बोलते तीखा, मीडियम बोलते मीडियम। मीडियम बना देने, एक मीडियम स्पाइस। कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? टाइम क्या रहता है? 12 बजे से 10 बजे तक, दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक। ये जो नमकीन है ये आप रोज खुद बनाते हो? हाँ, डेली चिकनी है, टमाटर सॉस। बारीकी से कटता ना, प्रैक्टिस होती है इतनी। ये लो सेफ पूरी में, मीठा तीखा स्पाइसी टमाटर, सारी अलग अलग टाइप की चटनीज विद अलग अलग टाइप की वेजीज। ये अब सेव पूरी में फाइनल लगने जा रहा है सेव, और ये डन, ऊपर धनिया लग के दो जी। ये है आलू टोस्ट, ब्रेड आलू
फ्राई कर दिया, उसको रख दिया, जैसे जैसे कस्टमर को चाहिए उसको लगाई चटनी। पर उससे पहले वो जो ब्रेड टोस्टर होते हैं ना, जिसकी वीडियो कुकिंग बाजी भी एक बार आपको दिखा रखी है, वो वाली चीज़, उसमें ब्रेड को गर्म कर दिया, एकदम क्रिस्पी कर दिया, चटनियाँ लगाई, सेव लगाया, प्याज लगाया, दे दिया 30 रुपीज़ ओनली। बहुत सही, वो कब निकलता था पता भी नहीं चलता। ये थी पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, मैं गौतम एंड मैं भेलपूड़ी खाता हूँ। मैं यहाँ पे ऑल द वे कोंडापुर से आता हूँ, व्हिच इज अराउंड लाइक 23-25 किलोमीटर्स और फ्रॉम हियर। जस्ट ईट दिस, इट्स सो एडिक्टिव, सेम बनवा सकते हो। हाँ, अभी डलवा के लाते हैं। और थोड़ा अलग है ये, क्रंच आ रहा है, वो क्रंच आ रहा है, सेब पूरी और जो वेजीज और वो सब डाले हुए हैं, चटनी इतनी अलग अलग टाइप की डाली हुई है। यहाँ पे स्पाइसी खाना खाते हैं लोग। ये जगह जो है, हम लोग गौतम के बताए जगह पे आए। पीछे जो जगह आपने देखी वो थी सबकी फेवरेट जगह। ये कुछ कुछ इस सीरीज में ऐसी भी जगह होंगी जो थोड़े हिडन जेम्स होंगे, जो हमारे प्यारे वेजी पाजी व्यूअर्स, ये और आप बहुत सारे जो सजेस्ट करते हो इधर उधर हैदराबाद में ये खाना वो खाना, उनको भी हम लोग फीचर करेंगे। हर चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, जैसे हर चीज़ को मिलनी चाहिए। अब जो सब लोग बिहाइंड द सीन्स थे वो खाएंगे। यार ये बढ़िया चीज है यार, और जाके डलवा लो है। और भैया बड़े आराम से प्यार से डाल देते हैं, रिफिल करवा लो सर, कोई मना नहीं करता है। ये खुद बनाते हैं ये नमकीन रोज यहां पे, क्योंकि रिफिल करता है अनलिमिटेड टाइम। ये एक्चुअल फूड ही लोग ऐसे ही जाते हैं। ये एरिया कौन सा है? ये एरिया सिकंदराबाद है। तो अभी हम लोग सिकंदराबाद का खाना खा रहे हैं। पीछे बर्गर का है, वो भी सिकंदराबाद का था ये। अच्छा पहले लो, और ये पहले बताओ ये समोसे हैं क्या क्या? ये ऑनियन समोसा है, इंडिया में ईरानी समोसे है बेसिकली, हैदराबाद के। कहाँ पे हम लोग? रियो रेस्टोरेंट। रियो, हाँ रियो, रियो रेस्टोरेंट। रियो रेस्टोरेंट के आपको तो दिख रहे हैं ऑनियन समोसे, और जो कहानी है वो हम पांच लोगों को ही पता चला। अच्छा, इसमें सिर्फ प्याज रहता है, आलू नहीं रहता? नहीं, प्याज और आई थिंक थोड़ा सा उसमें आलू होता है, थोड़ा सा, मतलब डिफरेंट होता है, डिफरेंट। हाँ, वो जैसे वो प्याज की पराठी घर में बनती है, कुछ चीज़ें ना ट्रांजिशनल होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते बीच में रुक गए। काफी फेमस है ये कहानी इसकी, हम पांच लोगों को ही पता क्या है। राइट, इसके पास आलू वाले समोसे और एक लुकमी करके होती है, वो भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस इसके हैं वो छोटे वाले समोसे हैं। लुकमी किसी और वीडियो में दिखाएंगे। हाँ, सारी बातें अभी नहीं खोलनी। वेज बिरयानी के राज भी किसी और वीडियो में दिखाए थे, 6 रुपये का एक समोसा। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जगह पे चले। चलो चलो, हमने देखा है हर वीडियो में चीयर तो करते हैं, खाने होना भी चाहिए। वो इस डिश को क्या बोलते क्या? फ्रूट मंडी बोलते हैं। फ्रूट मंडी बोलते हैं। अच्छा, हैदराबाद में अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, जैसे बिरयानी फेमस है, हैदराबाद की मंडी फेमस है, ये फ्रूट मंडी है। अब इसमें नीचे सबसे नीचे क्या है? पहले मलाई है, मलाई और फ्रूट है। अभी इस पे कीवी लग रहा है, पीछे शहतूत पड़ा हुआ है, इसको मलबेरी बोलते हैं, और ये अलग अलग और फैंसी फैंसी फ्रूट्स हैं। ये पूरा मंडी बनता है, सब लोग एक साथ मिलके खाते हैं इसको। अच्छा, अभी इसमें कीवी पड़ेगा, और कौन कौन से फ्रूट पड़ेंगे? ड्रैगन पड़ेगा, तिल पड़ेगा। कीवी पड़ा, ड्रैगन फ्रूट पड़ा, एप्पल पड़ेगा। ये फ्रूट मंडी लगा रहे हो? ये मंडी बेसिकली ऐसे रहता है ना, सब लोग मिलके खाएं। तो ये तो 4-5 लोगों के लिए होगा मिलके। कॉस्ट क्या रहता है इसका? 1200 रुपये रहता है। 1200 रुपये रहता है। हैदराबाद में आज आपको दिखा रहे हैं फ्रूट मंडी। लीची आ गई, कैंड लीची आ गई, ड्रैगन फ्रूट्स आ गए, मलबरी आ गई, कीवी आ गई, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसमें फ्रूट मंडी है, और एक ड्राई फ्रूट वाला भी है, और ड्राई फ्रूट वाला भी है। कितने अलग अलग टाइप के हैं? कुछ सारे हैं। अच्छा, बीच में एप्पल हो गए। अब ये बन गया पूरा। और है अभी, ये किस चीज़ का गुलाब है? खरबूजे का गुलाब है। अच्छा, और ऊपर एक, बीच में और लीची पड़ गई, और ये क्या चीज़ पड़ी है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, सही लग रहा है ना? कितना ब्यूटीफुल। ये क्या, मलबेरी सिर्फ? भाई देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है। वेजी पाजी सब्सक्राइब करो भाई, हैदराबाद में आपको बेहतरीन खाने दिखा रहे हैं। ये कीवी का सिरप है, नाइस। अब ये पूरी कंप्लीट हो गई, ये फ्रूट मंडी हो गई। मलाई, क्रीम, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, मलबेरी, लीची, एप्पल, खरबूजा, फिर ऊपर एक लीची लगी, फिर स्ट्रॉबेरी सिरप, फिर मलबेरी सिरप, फिर कीवी सिरप, फिर और स्ट्रॉबेरी सिरप, डेकोरेशन कर कर के बना दिया। बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं फ्रूट मंडी। ये कम से कम आई थिंक 4-5 लोगों के लिए है। प्राइस इसका कितना बताया था? 1200 रुपये। हैदराबाद में क्रेजी खाना। पाइन नट्स जो बोलते हैं ना, उसका पाइन नट्स का लड्डू है। डेट्स दोनों मिक्स होके लड्डू बनता है इसका। अच्छा, पाइन नट्स और डेट्स मिक्स होके लड्डू बनता है। मिक्स होके लड्डू बनता है। और ये किसके लिए बन रहा है? ये ड्राई फ्रूट जलजला के लिए। ड्राई फ्रूट जलजला, पिस्ता बादाम मिक्स की कोटिंग हो रही है, ड्राई फ्रूट जलजला लग रहा है इधर। ये चीज देखो आप, जरा गौर फरमा के देखना है इधर। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, और इसको शेयर कर दो वीडियो को लगे हाथों। हैदराबाद में सिकंदराबाद में हम लोग
ड्राई फ्रूट जलजला लगवा रहे हैं अपने लिए। ये क्रीम है? नहीं नहीं, ये ड्राई फ्रूट का पेस्ट है। ड्राई फ्रूट का पेस्ट है। इसमें क्या क्या पड़ा होगा? इसमें पूरा ऑल मिक्स ड्राई फ्रूट रहता, बादाम, पिस्ता, काजू, अच्छा किशमिश नहीं डलता इसमें। हाँ, किशमिश पूरा, जो भी मतलब जैसे जो भी पेस्ट बनता है उसका बना के, और ऊपर जो ये जो लड्डू दिख रहे हैं ये खजूर के और पाइन नट्स के लड्डू हैं, और इसके ऊपर जो कोटिंग हो रखी है वो पिस्ते की बादाम के लच्छों की हो रखी है, पिस्ते और बादाम के लच्छों की। क्या खूबसूरत लग रहा है ये तो। एक अगर मिल जाए बंदे को मजा आ जाए। जलजला बोलते हैं इसको, जलजला बोलते हैं। मतलब ये उन लोगों के लिए बना जिन लोगों को ड्राई फ्रूट बड़े पसंद है। बड़े पसंद है। हाँ, अगर ड्राई फ्रूट आपको पसंद है तो ये आपके लिए। शौकीन तौर के लोगों ना, देखो इसमें कितने पिस्ते डल रहे हैं। ओहो, पिस्ता बादाम के लच्छे, और अभी इसमें साबुत ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। ये देखो सारी चीज़ें एकदम खूबसूरती से सजा के मिल रही हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल। अब भाई हैदराबाद आए हैं तो दिखना चाहिए ना कि भाई हैदराबाद का शाही मीठा खा रहे हैं। समझ गया मैं, क्या खूबसूरत चीज़ बन रही है। मतलब एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे। सिकंदराबाद हैदराबाद आपका इंतज़ार कर रहा है। आइए, पधारिए, बेहतरीन खाना खाइए। इसका क्या रेट है? 2000 का है। ड्राई फ्रूट्स भी तो इसके अंदर इतने सारे पड़ रहे हैं। प्योर ड्राई फ्रूट है ये? प्योर ड्राई फ्रूट है भाई साहब। ये तो मेरे हिसाब से पहले तो आओ खाओ और उसके बाद इसको पैक करवा के लेके जाओ। ये मज़ा तो तभी आएगा जब सात दोस्त मिलके खाएंगे। सेलिब्रेशन सबके साथ ही होती है मिलके। ब्यूटीफुल, लुक्स प्रिटी, सो प्रिटी। अब इस पे अखरोट पड़ रहे हैं। लोग पसंद करते होंगे इसको बहुत ज़्यादा। बहुत पसंद। अच्छा, ये तो अभी आप हमें एक छोटा पोर्शन बना के दिखा रहे हो कि कैसा दिखता है। जो सबसे बड़ा आता है वो आप बता रहे हो कितना टाइम लगता है उसको? दो घंटा, दो से ढाई घंटा। उसका साइज कितना होता है वो दिखाना, हरे वाला। इससे डबल साइज होता है उसका। डबल साइज होता है वो, अलग साइज में होता, थोड़ा कम होता, लंबा ज्यादा होता, अलग साइज में आता होगा ना वो। ये पाइन नट्स। अच्छा, अभी भी और पड़ेगा कुछ, कुछ बचा है? शहद दो। शहद डलेगा? हनी डलेगा। ड्राई फ्रूट बिना शहद के कैसे होगा? ये देखो, ये असली जलजला तो ये है। शहद का जब ड्राई फ्रूट्स के साथ पड़ता है, लुक आ रही है इसकी, क्या कलर आ रहा है भाई। वो ऐसा लग रहा है वो जो वो होती है ना वो डिस्प्ले आइटम्स। तो भाई बहुत बढ़िया, मतलब हो गया कंप्लीट। कंप्लीट हो गया, ऐसा कमाल का बनाया ना। मजेदार है, थम्स अप है। बहुत बहुत कमाल का बनाया आपने। हाँ, ये आ गई फ्रूट मंडी, ब्यूटीफुल। अरे बहुत खूबसूरत बनाया ये। 6 से 8 मेंबर खाते हैं, और इसमें क्या सारे फ्रूट्स का फ्लेवर आता होगा, मलाई का। जी जी जी। ओहो, ये मिक्स फ्रूट मंडी है। ये जगह का नाम क्या है? नाइस जूस सेंटर। नाइस जूस सेंटर सिकंदराबाद। बहुत शानदार। ये तो मज़ेदार है यार आपका, ये सारा जलजला है पूरा। ये है फ्रेश फ्रूट मंडी, काफ़ी कमाल की चीज़ है। 6 से 8 लोग मिलके खाते होंगे, हर बाइट में भर भर के फ्रूट्स। ब्यूटीफुल टेस्ट। अच्छा, फ्रूट्स डले हैं इसके अंदर, मलाई डली है इसके अंदर, सिरप डले हैं, ऐसे फीस्ट वाली फीलिंग आ रही है पूरी ना। वाह यार, शानदार है। और एक मैं यहाँ पे लास्ट लूँगा इसका एक टेस्ट, द ब्यूटीफुल ड्राई फ्रूट जलजला। ये अपने आप में ऐसा जलजला है ना, इसके अंदर ये जो ये चीज़ देख रहे हो ना, दिस इज प्योर ड्राई फ्रूट का पेस्ट भाई साहब। सिकंदराबाद में, हैदराबाद में ऐसी चीज़ें हो रही है आपने कभी सोची नहीं होगी भाई। ये तो ओ भाई साहब, दिस इज, ये उन लोगों के लिए हैं जिनको ड्राई फ्रूट्स पसंद है बहुत ज़्यादा। इतना कमाल का लग रही है ना ये चीज़। इसका तो एक बाइट, उतना छोटी बाइट नहीं लेंगे इसकी, सीधा बड़ी। वो खजूर और बहुत बढ़िया पाइन नट्स का मिक्स है ना, और ऐसे सेके में ना हनी के साथ मिक्स है भाई, एक से बढ़कर एक इनके पास चीज़ें हैं शानदार की। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मील एंड करेंगे साथ में कुछ तड़कती बड़कती चीज़ के लिए। भाई ने कुछ हमारे लिए अरेंजमेंट। बहुत बढ़िया है, मतलब मज़ा आ गया। जो फ्रेशनेस आ रही है चीज़ों की, क्या क्वालिटी है यार, बेहतरीन। मतलब चेहरे में खुशकी देखो, मज़ेदार। बेरीज का बेस है, ऊपर आइस, मलबरी स्ट्रॉबेरी, मलबरी स्ट्रॉबेरी, और ये ओके। अब ये वो जो स्पेशल चीज़ आपको बताई थी ना, हल्का नमकीन नमकीन टेस्ट भी है, बहुत बढ़िया है। मज़ेदार। इसको क्या चीज़ बोलते हो? बेरीज मॉकटेल। बहुत कमाल के यार, ये तो फ्रेश बेरीज रहती है, मिक्स रहती है।
A1 बहुत कमाल की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हैदराबाद की ऐसी वीडियोस आते रहेगी। वेजी बाजी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ड्रैगन फ्रूट।